नमस्ते माय सोल फैमिली, मेरा नाम अलीशा है, मैं इंडिया से हूँ। आज के इस ध्यान सत्र में आप सबका अभिनंदन। ये ध्यान सत्र हम शुरू करते हैं एकदम शांत और स्थिर होते हुए। अपनी आँखें कोमलता से बंद कर लें। एक गहरा श्वास ले और छोड़ दे। हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर लेते जाएं और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर है उसे हर श्वास के द्वारा बाहर निकालते जाएं। एक और गहरा श्वास, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर लें नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर से हर श्वास के द्वारा बाहर निकालते जाएं। और अधिक शांत और अधिक स्थिर होते जाएं। सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। एक और गहरा श्वास, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर के एक एक सेल्स में, 75 करोड़ सेल से ज्यादा हैं आपके शरीर में, फैलने दे। इस दिव्य ऊर्जा को अपने 75 करोड़ सेल्स में, मसल्स में, टिश्यूज में, बोन्स में, नाड़ियों में, अपने सभी अंगों में, ग्लैंड्स में, अपनी पूरी स्किन पर और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, दबी हुई ऊर्जा, पेन की ऊर्जा, स्ट्रेस की ऊर्जा को बाहर निकालते जाएं। और अब हम परमपिता सच्चे परमेश्वर का, परमात्मा के सभी दिव्य दूतों का, आर्कएंजल्स का, एंजल्स का, सभी पवित्र हायर स्टार कॉन्स्टिलेशंस का, सभी पवित्र काउंसिल्स ऑफ लाइट का, दैविक किंगडम का, आप सभी के हायर सेल्फ और गाइड्स का आह्वान करते हैं। बहुत ही प्रेम व समर्पण भाव से आभार प्रकट करते हुए मन ही मन उनका धन्यवाद करें। उनकी प्रेजेंस को महसूस करें, क्योंकि उनके आते ही आपके चारों ओर की ऊर्जा एकदम से परिवर्तित हो चुकी है। अरबतते कोशा, हम सेंट जर्मियन और लेडी पोर्शिया का वायलेट कलर की ऊर्जा के साथ भी आह्वान करते हैं। सेंट जर्मियन और लेडी पोर्शिया ने आते ही वायलेट कलर की ऊर्जा को आपके शरीर के भीतर प्रवाहित करना शुरू कर दिया है और आपके चारों ओर भी ये पवित्र ऊर्जा फैलती जा रही है। जैसे जैसे वायलेट कलर की ऊर्जा आपके भीतर और आपके चारों तरफ फैलती जा रही है, ऐसी कोई भी ऊर्जा जो आपके अच्छे के लिए नहीं है उसका स्वरूप एकदम से वायलेट लाइट परिवर्तित करती जा रही है। आपके भीतर और एक आपके चारों तरफ एक बहुत ही पवित्र वातावरण बन चुका है। अपना ध्यान अपनी पैरों की सोल के ऊपर लेकर आए। आपके पैरों से दिव्य गोल्डन कलर की ऊर्जा जड़ों के रूप में नीचे की ओर जाती हुई, नीचे नीचे धरती मां के और नीचे और गहरे जाते हुए बिल्कुल सेंटर, मदर अर्थ के सेंटर तक पहुंच चुकी है। यहां पर ये अपनी गोल्डन कलर की जड़ों को आप बांधे और उसके ऊपर कोई भी तीन क्रिस्टल्स जैसे ब्लैक टर्मलिन, रोज क्वार्ट्ज और एमिथिस क्रिस्टल रख दें। अगर आपको क्रिस्टल्स के बारे में नहीं पता तो सिर्फ जाने कि आपने अपनी जड़ों पर बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर तीन क्रिस्टल रख दिए हैं और अब आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हो, सेफ हो, सुरक्षित हो। अब हम परमात्मा के 7 आर्कएंजल्स
का आह्वान करते हैं। बहुत ही शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा से भरपूर ये आर्कएंजल्स आपके दाईं तरफ, बाहिनी तरफ, आपके आगे, आपके पीछे, आपके क्राउन चक्रा पर और आपके सोल्स ऑफ द फीट के पास आकर खड़े हो गए हैं। उनसे दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा निकलती जा रही है और ये दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के एक एक सेल में भरती जा रही है। ये सात आर्कएंजल्स बहुत ही प्यार से आपकी तरफ देख रहे हैं और अपनी ऊर्जा लगातार आपके शरीर में परिवाहित करते जा रहे हैं। अपने मन ही मन दोहराए कि मैं दिव्य ऊर्जा लेने के लिए तैयार हूं और सभी जमी हुई ऊर्जा और ऐसी कोई भी ऊर्जा जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है उसे छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। एक मुस्कुराहट के साथ समर्पण भाव से मास्टर्स आर्कएंजल्स को कहें, प्लीज वर्क ऑन अस, हमारे ऊपर काम करें। आर्कएंजल माइकल आगे की ओर बढ़ते हैं और वो आपकी सोल्स ऑफ फीट में वैक्यूम क्लीनर के दो पंप आपके दाहिने पैर में और बाहिने पैर में लगा रहे हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर हैं। ये आपके शरीर के एक एक सेल में से, मसल्स में, टिश्यूज में से, बोन्स, ब्लड में से, चक्रा में से जो भी जमी हुई ऊर्जा है, कोई कार्मिक ऊर्जा है, ऐसी कोई भी ऊर्जा जो आपके अच्छे के लिए नहीं है, पुरानी बिलीफ, पैटर्न्स, जेलसी की ऊर्जा, अनफॉरगिवनेस की ऊर्जा, ईगो की ऊर्जा, टॉक्सिसिटी की ऊर्जा, कड़वाहट की ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जा, नेगेटिव इमोशंस, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीव्स, इन सभी ऊर्जा को ये शक्तिशाली वैक्यूम पंप खींचता जा रहा है और जैसे जैसे ये ऊर्जा वैक्यूम क्लीनर में आती जा रही है, सेंट जर्मेन और लेडी पोर्शिया जो लगातार वॉयलेट लाइट आपकी बॉडी में प्रवाहित कर रहे हैं, उस ऊर्जा के स्वरूप को परिवर्तित करते जा रहे हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आगे की ओर बढ़ते हुए उनके हाथों में ब्लैक कलर के, काले रंग के कुछ क्रिस्टल्स हैं। उन्होंने ये सात क्रिस्टल्स आपके सातों चक्रा पर, ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल रख दिए हैं। ये सात ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल्स बहुत ही शक्तिशाली हैं। जैसे ही मास्टर्स ने, आर्कएंजल्स ने ये सात क्रिस्टल आपके सातों चक्रा पे रखे हैं, आपके सातों चक्रों में से बहुत ही डीप और गहरी लेयर्स में से भी जमी हुई ऊर्जा बाहर आने लगी है। इन क्रिस्टल्स में मैग्नेटिक रेज हैं जो लगातार आपके शरीर में से अनवांटेड एनर्जी को, ऐसी कोई भी ऊर्जा जो वहां नहीं होनी चाहिए, उसको अपनी ओर खींचते जा रहे हैं और वॉयलेट लाइट उस ऊर्जा को दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित करती जा रही है। जन्मों जन्मों से जमी हुई मैल, काली थिक ऊर्जा, सैडनेस की ऊर्जा, बहुत कार्मिक एनर्जी इन क्रिस्टल्स की ओर खींचती जा रही है। आपके चक्रा हल्के होते जा रहे हैं,
मन ही मन दोहराते जाए कि मैं उन सभी आत्माओं को क्षमा करती हूं जिन्होंने मुझे कष्ट दिया इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, और मैं उन सभी आत्माओं से भी मुआफी मांगती हूं जिन्हें मेरी वजह से कष्ट हुआ, मेरी वजह से दुख हुआ, और मैं खुद को भी माफ करती हूं। जो मुआफी दिल से मांगी जाती है, मास्टर्स उसका सम्मान करते हैं। सो बड़े प्रेम से क्षमा मांगते जाएं, और जो सोल्स आपसे माफी मांग रही हैं उन्हें भी माफ करते जाएं। ये सात शक्तिशाली क्रिस्टल्स पूरे सत्र के दौरान आपके सभी चक्रस पर रहेंगे, जो लेयर आफ्टर लेयर सभी एनर्जी जो हार्मफुल है, जो आपके अच्छे के लिए नहीं है, उसे अपने में सोखते जाएंगे, और वॉयलेट लाइट उस ऊर्जा के स्वरूप को परिवर्तित करती जाएगी। अपना ध्यान रूट चक्र की ओर लेकर जाएं, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के बेस में स्थित है। रूट चक्र का रंग गहरे लाल कलर का है, इसे बेस चक्र कहते हैं। ये चक्र किसी भी भय की ऊर्जा से या इनसिक्योरिटी की ऊर्जा से, या आपके भीतर अगर कोई कमी की ऊर्जा है, स्कार्सिटी की ऊर्जा है, ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। जन्मों जन्मों के तरह तरह के एक्सपीरियंस से ये चक्र बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आप में भय और उस असुरक्षा की भावना रहती है। आपको हमेशा लगता है कि आपके पास उतना धन नहीं है जितना होना चाहिए। आपके पास धन होते हुए भी आप उसे खर्च नहीं पाते। पुराने बिलीफ, पुराने विचारों की वजह से आप हमेशा भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं, जिससे ये चक्र हमेशा बंद हो जाता है। वक्त आ गया है अपने सभी पुराने बिलीफ को, ओल्ड पैटर्न को रिलीज करने का। छोड़ते जाएं सभी भय की ऊर्जा, इनसिक्योरिटी की ऊर्जा, स्कार्सिटी की ऊर्जा। दोहराते जाएं, मैं सभी पुरानी ऊर्जा को छोड़ने के लिए तैयार हूं। सभी पुरानी ऊर्जा रूट चक्र से बाहर आती हुई, वैक्यूम क्लीनर लगातार अपना काम करता जा रहा है। ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल लगातार पुरानी ऊर्जा को सोखता जा रहा है, और आपके रूट चक्रा में अबंडेंस का एक ओवरफ्लो होने लगा है। आप सुरक्षित महसूस करने लगे हो। जन्मों जन्मों से जन्मी हुई
पुरानी ऊर्जा रिलीज होती जा रही है, आपके चेहरे पर मुस्कान आती जा रही है। कोई चिंता नहीं, आप सुनिश्चित हैं, भविष्य को लेकर निश्चिंत हैं। यू आर लव्ड, यू आर नर्चर्ड, आपके संसार में सभी कुछ ठीक है। सभी पुरानी ऊर्जा बाहर जाती जा रही है, नई ऊर्जा बहती जा रही है। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा लगातार आपके सभी चक्रस में बहती जा रही है। जैसे जैसे पुरानी ऊर्जा आपके शरीर से बाहर आ रही है, आपका रूट चक्र एकदम से लाल, सुर्ख लाल होता जा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैलेंस होता जा रहा है, अलाइनमेंट में आता जा रहा है, हार्मोनाइज होता जा रहा है। लोड गणेशा, मां लक्ष्मी, लोड कुबेरा आगे आते हुए और आपके रूट चक्रा को ब्लेस करते हुए, बहुत ही प्रेम और समर्पण भाव से उनका धन्यवाद करें और उन्हें अपने चक्रा में विराजमान होने के लिए कहें, शत तत तत को तो तुम, सत तत 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 को तो तुम, अक कत तत तत से तुम, इम मत तत 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 से शत तत तुम, इक कत तत तम, इक कत तत तम, इक कत तत 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 से शत तुम, इम मस्त तुम शाह। अब अपना ध्यान स्वादिष्टान चक्र की ओर लेकर आएं। स्वादिष्टान चक्र आपके नेवल के नीचे है। इसे हारा चक्र या सैक्रल चक्र भी कहते हैं। इस चक्र में हमारे बहुत सारे इमोशंस दबे हुए हैं, जिनकी वजह से ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। बहुत नेगेटिव इमोशंस तो मन में दोहराए, मैं सभी ट्रॉमा की एनर्जी को, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करती हूं या करता हूं। ऐसी कोई भी ऊर्जा जो इस चक्र को ब्लॉक किए हुए है, ऐसी कोई ऊर्जा, सेल्फ सेक्रीफाइस की ऊर्जा, स्टबर्नेस की ऊर्जा, रिजिडिटी की ऊर्जा, सेक्सुअल अब्यूज की ऊर्जा, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की ऊर्जा, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव इमोशंस, ऐसी कोई शपथ, ऐसी कोई वाओ जो मैंने इस जन्म में ली है या पिछले किसी जन्म में ली है, जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है, मैंने खुद से प्यार नहीं किया या मैंने रिलेशनशिप्स में प्यार नहीं पाया, मैं अपने आप को बदल नहीं पाती, मुझे रिश्तों में प्यार नहीं मिला, चाहे इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में, और आपके अंदर बहुत दर्द है इस चीज को लेकर, लेकिन अब वक्त आ गया है इन सभी टॉक्सिक थॉट्स को, इन सभी विचारों को रिलीज करने का।
आर्कएंजल मेटाट्रोन ने जो ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल आपके स्वादिष्टान चक्र पे रखा है, वो लगातार सभी ऊर्जा को अपने अंदर सोखता जा रहा है। वैक्यूम क्लीनर भी सभी नेगेटिव एनर्जी और इमोशंस को अपने अंदर सोखता जा रहा है, जो लगातार काम कर रहा है। और जैसे जैसे आप ये एनर्जी रिलीज करते जा रहे हो, आपके स्वादिष्टान चक्र में प्योर एनर्जीज, जो प्रेम की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, पुरानी ऊर्जा का स्थान लेती जा रही है। आपका स्वादिष्टान चक्र प्रेम की ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से स्वस्थ होता जा रहा है। आप बहुत अधिक शांत होते जा रहे हो, बहुत अधिक खुशी महसूस कर रहे हो। आपका चक्र जीवंत होता जा रहा है, ऑरेंज कलर से ये चमकता जा रहा है। आपका चक्र बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत संतरी रंग से महकता जा रहा है। आप बहुत क्रिएटिव और लचीले होते जा रहे हो। आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से प्रोसेस कर पा रहे हो। आपकी एनर्जी शिफ्ट होती जा रही है। रिलेशनशिप्स मधुर होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, बैलेंस होते जा रहे हैं। आपकी जिंदगी में बहुत अधिक प्यार, बहुत अधिक शांति आती जा रही है। शिव आपका चक्र एकदम शांत, बैलेंस्ड, हार्मोनाइज, अलाइन होता जा रहा है। शिव बदतम आर्कएंजल माइकल आगे की ओर बढ़ते हुए और आपके रूट चक्र और हारा चक्र में जितनी भी कोई नेगेटिव कोड्स है या कोई अटैचमेंट है जो आपके अच्छे के लिए नहीं है, उन कोड्स को रूट के द्वारा ही बाहर की ओर खींचते हुए, और जैसे ही ये कोड्स आपके रूट और हारा चक्र से बाहर आई हैं, और अधिक ऊर्जा आपके रूट और हारा चक्र में बहने लगी है। और जो भी आपकी ऊर्जा को ड्रेन कर रहा था, आपकी एनर्जी को आपके भीतर नहीं रहने दे रहा था, आर्कएंजल माइकल ने उन कोड्स को, उन नेगेटिव कोड्स को आपके ऊर्जा क्षेत्र से बाहर कर दिया है। आप एकदम फ्रीडम का एहसास कर पा रहे हो और अधिक लाइट होते जा रहे हो। हम आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके शरीर में या किसी भी चक्र में अगर और भी कोई कोड है, चाहे वो किसी चक्र में है या आपके किसी ऊर्जा क्षेत्र में है, ऐसी कोई भी नेगेटिव कोड, ऐसी कोई भी नेगेटिव अटैचमेंट, चाहे वो आपकी ओरा में है, चाहे वो चक्र में है, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है और जो ऊर्जा आपके अच्छे के लिए नहीं है, आर्कएंजल माइकल प्लीज पुल उन सभी कोड्स को, अटैचमेंट्स को आपकी शरीर से बाहर निकाल दें।
अपना ध्यान सोलर प्लेक्सिस चक्र पर लेकर आए। ये चक्र आपके नाभि के ऊपर है और येलो कलर का पीले रंग का है। मन में दोहराते जाएं कि आप सभी नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई भी ऊर्जा जो आपके अच्छे के लिए नहीं है, आप उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई बिलीफ, आपका ऐसा कोई सोच, ऐसा कोई विचार जो दिव्य ऊर्जा को सोलर प्लेक्सिस चक्र में बहने नहीं दे रहा, आप उन सभी बिलीफ्स, नेगेटिव इमोशंस को छोड़ने के लिए तैयार हो। जो सोच, जो विचार आपको आगे बढ़ने से रोकता है, उसे आप छोड़ने के लिए तैयार हो। ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल लगातार ऐसी ऊर्जा को अपने अंदर सोखता जा रहा है। वैक्यूम पंप भी लगातार उस ऊर्जा को आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र से बाहर निकालता जा रहा है। जैसे जैसे आप पुरानी ऊर्जा छोड़ते जा रहे हो, प्रेम की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा आपके सोलर प्लेसेस चक्र में भरती जा रही है। आप और अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे हो। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र शांत होता जा रहा है। आगे बढ़ने के लिए जिस साहस की जरूरत है, आप उस साहस को अपने चक्र में महसूस कर पा रहे हो। नई उत्साह, नया जोश आप में भरता जा रहा है। आप अपने स्वप्न को पूरा होते हुए देख पा रहे हो। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पा रहे हो, क्योंकि आप पुरानी ऊर्जा छोड़ते जा रहे हो। बहुत अधिक प्रेम की भावना आपके अंदर विकसित होती जा रही है। आप अपनी डिविनिटी को पहचान रहे हो और आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में हो। आपका पूरा चक्र बैलेंस, हार्मोनाइज, अलाइनमेंट में आता जा रहा है। और अब हम हृदय चक्र की ओर बढ़ते हैं। हरे रंग का ये चक्र ट्रॉमा की ऊर्जा की वजह से, खुद को प्रेम ना कर पाने की वजह से, दूसरों को प्रेम ना कर पाने की वजह से, अपने अंदर बहुत ज्यादा कड़वाहट इकट्ठी करने की वजह से, डर और कंफ्यूजन की वजह से ये चक्र टोटल ब्लॉक हो जाता है। कोई भी बर्डन और गिल्ट की ऊर्जा बैक हार्ट को भी ब्लॉक कर देती है। जब आप किसी को माफ नहीं कर पाते, तो वो आपकी हार्ट चक्र से आकर जुड़ जाता है और आप बहुत ही दबाव में रहते हैं। तो आज वक्त आ गया है सभी ट्रॉमा की ऊर्जा को रिलीज करने का। जिस किसी ने भी आपको दुख दिया, कष्ट दिया, उसे माफ करने का। माफ करते जाएं। इन सभी पुराने जन्मों की ऊर्जा की वजह से ना आप खुद को प्रेम कर पाते हैं, ना दूसरों को प्रेम कर पाते हैं। रिलीज करते जाएं सभी पुरानी ऊर्जा को। ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल आपके हार्ट चक्र पर लगातार काम करता जा रहा है।
वैक्यूम पंप लगातार आपके हृदय चक्र में से बहुत ही काली मैली ऊर्जा, जमी हुई ऊर्जा को, चिकनाहट वाली ऊर्जा को खींचता जा रहा है। जन्मों जन्मों से जमी हुई धूल की वजह से ये चक्र बिल्कुल धूमिल सा हो जाता है। सो रिलीज करते जाए आज अपनी सभी पुरानी ऊर्जा को। अनबतेशा, जितना भी कड़वापन है, जितनी भी ईगो है, जितना गिल्ट है, जितना अपने अपने ऊपर भार ले रखा है रिश्तों का, आज रिलीज करते जाए। शमो मत तुम सभी सोल्स को माफ करते जाएं, खुद को माफ करते जाएं, और जो आपसे क्षमा मांग रहे हैं उन्हें भी माफ करते जाएं। जाएं, छोड़ते जाएं, सभी पुरानी ऊर्जा को छोड़ते जाएं। जैसे जैसे आप छोड़ते जा रहे हैं, आपका हृदय चक्र और अधिक लाइट होता जा रहा है। बहने दे लव की ऊर्जा को, दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर। जैसे जैसे आप पुरानी ऊर्जा छोड़ते जा रहे हो, प्रेम की ऊर्जा आपके हृदय चक्र में भरती जा रही है। आपका हृदय चक्र एक्सपेंड होता जा रहा है। क्षमा लव और कंपैशन की ऊर्जा, काइंडनेस की ऊर्जा से आपका हृदय चक्र भरता जा रहा है। आपके मन में सभी के लिए प्रेम की भावना विकसित हो रही है। और ये दिव्य सेक्रेट कोड जो कि बहुत ही उच्च कॉन्शियसनेस के हैं, हायर चेतना के हैं, आपके हृदय चक्र पे लगातार काम करते जा रहे हैं। इत बत मन ही मन दोहराते जाए, मैं प्योर लव देने के लिए और पाने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे आप ट्रू लव, सच्चा प्रेम सभी को देते जा रहे हो, वही प्रेम मास्टर्स, आर्कएंजल्स और पूरे ब्रह्मांड से हजारों गुना मल्टीप्लाई होता हुआ आपके हृदय चक्र में वापस आता जा रहा है। आप बहुत अधिक शांत होते जा रहे हो। माक्वानियन और आर्कएंजल चैमुअल, जो लव कंपैशन की ऊर्जा से भरपूर है, आपके हृदय चक्र पर एक पिंक कलर का, गुलाबी रंग का एक बहुत ही दिव्य रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख रहे हैं,
जैसे ही उन्होंने ये क्रिस्टल आपके हृदय चक्र पर रखा है, आपका हृदय चक्र और अधिक एक्सपेंड होता जा रहा है, और आपके हृदय चक्र से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है, अब अपना ध्यान थ्रोट चक्र की ओर लेकर आए। आपका गले का चक्र आसमानी रंग का है, टर्कोइस कलर का वॉर्टेक्स शततेश। ये चक्र दिव्य चक्र है, हायर चक्र है। इस चक्र में भी बहुत सारे ट्रॉमा की एनर्जी, फियर की एनर्जी, जमी हुई है। तो अपने मन में दोहराते जाएं कि आप सभी ट्रॉमा की एनर्जी को रिलीज करते हैं। ऐसी कोई भी भय की ऊर्जा, ऐसा कोई नेगेटिव इमोशन, कोई बिलीफ, कोई पैटर्न अगर इस चक्र में है, जस्ट रिलीज इट। अरे बताते को तो ईशा, बहुत ज़्यादा भय की वजह से ये चक्र ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से आप अपना सच नहीं बोल पाते, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, आप हमेशा अपने आप को रोक लेते हैं सच बोलने से, आप अपने मन की बात किसी को नहीं बता पाते। जन्म दर जन्म, कितने जन्मों में आपके साथ ऐसा बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से ये चक्र पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। वक्त आ गया है अपने सभी पुराने भय की ऊर्जा को रिलीज करने का, ट्रॉमा को रिलीज करने का। मन में दोहराते जाए कि मैं सभी नेगेटिव इमोशंस, ट्रॉमा, भय की ऊर्जा को, नेगेटिव बिलीफ्स को, पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे मास्टर्स आर्केंजल्स आज आपकी ऊर्जा क्षेत्र में हैं। आर्केंजल माइकल द्वारा लगाया गया संकन पंप लगातार सभी पुरानी ऊर्जा को खींचता जा रहा है। ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल, जो आर्केंजल मेटाट्रॉन ने आपके गले के चक्र पर भी रखा है, लगातार पुरानी ऊर्जा को अपने अंदर सोखता जा रहा है। पुरानी ऊर्जा, मन में दोहराते जाए, मैं नई आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने के लिए तैयार हूं। मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मैं अपने सभी भय की ऊर्जा को रिलीज करती हूं या करता हूं। जिस किसी वजह से मेरा ये चक्र ब्लॉक हो गया, मैं उस ऊर्जा को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं सिर्फ प्रेम की ऊर्जा को स्वीकार करती हूं, करता हूं। आप अपने आप को बहुत ही साहस के साथ व्यक्त कर सकते हैं।
आप अपने आप को और अपनी बातों को साहस के साथ, प्रेम के साथ दूसरों को बता सकते हो, दुनिया से शेयर कर सकते हो, आप पहले से बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हो, आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हो, आप अनंत हो, शततततममततेशा, आप अपनी अनंत को पहचानते हो, इममततेशो, इममततततेकोततुम, सततततेतेकोकोकोततुम, नततततेशो, इममततहाष्टतोम शाहा। अपना ध्यान अब थर्ड आई चक्र पर लेकर आए, जो आपकी दोनों आंखों के मध्य भाग पे है, और यहां से भी सभी ट्रॉमा की ऊर्जा को, पुरानी ऊर्जा को रिलीज करते जाए, जिस ऊर्जा की वजह से आपका ये चक्र ब्लॉक हो गया, जो आपको डिवाइन मैसेजेस लेने से रोकता है, जिसकी वजह से आपके इनर विजन्स ब्लॉक हो चुके हैं। ऐसी कोई नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एंटिटी या कोई अटैचमेंट, आपके पुराने बिलीफ या थॉट या भय की ऊर्जा, जिस ऊर्जा ने भी आपके थर्ड आई को ब्लॉक कर रखा है, उस ऊर्जा को छोड़ते जाए, मन ही मन दोहराते जाए, मैं सभी पुरानी ऊर्जा को, भय की ऊर्जा को, ट्रॉमा की ऊर्जा को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसी किसी भी ऊर्जा ने जिसने मेरा थर्ड आई को रोक रखा है, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इमतोम अततततेशो, ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल लगातार पुरानी ऊर्जा को सोखता जा रहा है। आर्कएंजल माइकल द्वारा लगाए गए संकन पंप लगातार पुरानी ऊर्जा को सोखते जा रहे हैं। शितितितितिशा, और जैसे जैसे ये सब कुछ होता जा रहा है, नई ऊर्जा, प्रेम और दिव्य ऊर्जा आपके थर्ड आई चक्र में बहनी शुरू हो गई है। अब आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेने के लिए ओपन अप हो। पुरानी ऊर्जा आपके शरीर से बाहर आती जा रही है, आप डिवाइन मैसेजेस ले पा रहे हो, आपका इनर विजन खुलता जा रहा है, आप एक दिव्य आत्मा हो, आप खुद को पहचानने लगे हो, आपको हर जगह परमात्मा द्वारा बनाई गई सुंदर, अति सुंदर क्रिएशन का आप आनंद ले पा रहे हो। आपके अंदर नई चेतना, नई उत्साह की भावना पनपती जा रही है। आप बहुत अधिक सेफ, बहुत अधिक सुरक्षित महसूस करते जा रहे हो। आप अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानने लगे हो। आपका चक्र बैलेंस हार्मोनाइज होता जा रहा है। अब हम क्राउन चक्रा की ओर बढ़ते हैं, जो आपके सिर के मध्य भाग की तरफ है। लगातार दिव्य ऊर्जा, वायलेट कलर की ऊर्जा और ब्लैक टर्मोलेन पुरानी ऊर्जा को सोखता जा रहा है। रिलीज करते जाए इस चक्रा में से डिप्रेशन की ऊर्जा को, बोर्डम की ऊर्जा को, कोई ट्रॉमा, ऐसा कोई चिंता की भावना जिसने आपके इस चक्र को ब्लॉक कर दिया था, जो आपको डिवाइन गाइडेंस को रिसीव करने में रुकावट पैदा कर रहा था। छोड़ते जाइए उस ऊर्जा को और दोहराते जाएं, मैं सभी डिवाइन विजडम लेने के लिए तैयार हूं, मैं परमात्मा का प्रकाश लेने के लिए तैयार हूं। ऐसी
किसी भी वजह से, जिसकी वजह से मेरा ये चक्र ब्लॉक हो गया था, आज मैं उस ऊर्जा को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का प्रकाश चाहिए। मुझे परमात्मा की ऊर्जा के साथ हमेशा कनेक्ट रहना है। अरे बतत ते को तो मम मत ते ईशो शत को तुम तत को तो मम मत ते ईशो इम मत ते ईशा। आप एक दिव्य चैनल हो। आप अपनी आत्मा से और गहरे कनेक्ट होते जा रहे हो। आप अपने डिसीजन लेते जा रहे हो बहुत ही आसानी से, क्योंकि आप पहले से अधिक खुद पर भरोसा कर पा रहे हो। आपको यकीन है कि परमात्मा आपकी हर जगह सहायता करेंगे। आप लव और लाइट के चैनल हो। आपके भीतर परमात्मा का प्रकाश है। आपके चारों तरफ परमात्मा का प्रकाश है। आप जहां कहीं भी जाओगे आप सुरक्षित महसूस करोगे। हर वक्त ये दिव्य प्रकाश आपके साथ होगा। इस दिव्यता को महसूस करें अपने भीतर और अपने चारों तरफ। आर्केंजल्स आपके ऊर्जा क्षेत्र में मुस्कुराते जा रहे हैं और दिव्य ऊर्जा आपके सातों चक्र में प्रवाहित करवा रहे हैं। शम मत ते बब बत को मम मत ते को शाह। आर्केंजल मेटाट्रॉन आपके सभी चक्रों पर एक क्राइस्ट ग्रिड रख रहे हैं। तुम आपके सातों चक्र बैलेंस हार्मोनाइज होते हुए प्रततेशा परमात्मा के प्रकाश से भरते हुए क्राइस्ट कॉन्शियसनेस से भरते हुए अब वक्त है आपकी ओरा को स्ट्रेंथ करने का। आपकी ओरा स्ट्रेंथन होती जा रही है। मास्टर्स आर्केंजल्स आपकी ओरा में रेनबो कलर का प्रकाश प्रवाहित कर रहे हैं और जैसे जैसे ये रेनबो कलर आपकी पूरी ओरा में फैलने लगा है, आपकी ओरा और अधिक मजबूत होती जा रही है और जितने भी होल्स वहाँ पर थे वो सब इस दिव्य प्रकाश से भरते जा रहे हैं ताकि आपकी ओरा में से एनर्जी की लीकेज ना हो। आप हमेशा वाइब्रेंट रहें, वाइटलिटी से भरपूर रहें। शीतिति को तो तम इम मत ते को तुम इम मत तेषा अम मत ते को तुम मम मत तेषम। एक बहुत ही मजबूत एनर्जेटिक शील्ड आर्केंजल्स आपकी ओरा में लगा रहे हैं। शिम मत ते को तुम आप सुरक्षित हैं। शीतिति को तो तुम शाह रेनबो कलर का प्रकाश आपकी पूरी ओरा में भरता जा रहा है। शीतिति को तो ततम सत्त को तुम इम मत तत ऐशो इम मत तत को तुम इम मत तत को रत कतम सत्त तत को होशा। आपके पूरे सेल्स आपकी ओरा प्रकाश से जगमगाते हुए, आपके एक एक सेल से दिव्य प्रकाश निकलता हुआ आपके भीतर आपके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य प्रकाश, मास्टर्स आर्केंजल का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश, आपके हायर सेल्फ, आपके गाइड्स का प्रकाश। शततततततुम आपके हाथों से, आपके शरीर के एक एक ऑर्गन से, एक एक चक्र से दिव्य प्रकाश बाहर आता हुआ और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। शततततततुम मम ततते इस दिव्यता को महसूस करें। शिम मत ततते को तुम मम मत ते इम मत ततस्ततुम इम मत ततेशो अम मत ततम इम मत ततते को तुम इम मत ततेस्ततुम अम मस्तस्तुम शाह। जब तक चाहें इस ऊर्जा क्षेत्र में बने रहें। अरबततेशो और जब आप वापिस आना चाहें तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इततततकततो ममस्तस्तुम शाह। सभी मास्टर्स आर्केंजल्स परमात्मा का धन्यवाद करें, खुद का धन्यवाद करें। अरहस्तीशो।